और सबसे पहले मेरे खिलाफ कार्रवाई कर लेना। एससी एसटी पे नाम मत लो, मेरी बात सुन लो। अभी अब मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम, पहले आप जवाब दो। यहाँ पेशेंट जो आ रहे हैं आप उनको सही तरीके से ट्रीट क्यों नहीं कर, जवाब क्यों दे रहे हो? मुझे दवाई लिखने का अधिकार नहीं है। तो किसको है? डॉक्टर को होता है। नहीं, किसको है? डॉक्टर को। आपकी ड्यूटी क्या क्या है ये बताओ। मेरे को तो पर्ची काट के दवाई देना। पर्ची काहे की काटनी है? कैसे ना, उसकी पर्ची काटो और डॉक्टर जो दवाई लिखे वो दवाई देंगे। अच्छा, आप डॉक्टर हो या मान लो उपस्थित नहीं है तो वो लिखित में देखे जाएगा कि आज की कल मैं नहीं आऊंगा, तो वो लिखित में देखे जाएगा कि आपको ड्यूटी करनी है। अच्छा, तो और आपकी ड्यूटी कितने बजे की है? 9 से 3। 9 से 3। आप कितने बजे बता रहे हो? आज थोड़ा लेट आई हूँ। क्यों? कल मैं परसों में 12 बजे आया था, आप यहाँ नहीं थी। परसों तो मेरा नहीं, परसों पहुंचा हुआ। परसों की बात है, मैं आया था 1 घंटा बैठ के, आप नहीं थे यहाँ। आप हमको ये जवाब दे दो, पृथ्वीराज सुन लो मेरी बात। आपको नौकरी करनी है अगर सही तरीके से, मेरी बात सुन लो आप। आप सरकार के जमाई होंगे, पांथेड़ी के जमाई नहीं हो। पांथेड़ी पीएससी में अगर आपको नौकरी करनी है, सुन लो मेरे सब, तो आपको टाइम पर आना पड़ेगा और सभी जो भी लोग आ रहे हैं उनको संतुष्टि से जवाब देना पड़ेगा। उनको दवाई भी देनी पड़ेगी जो आपके अंडर में आती है, आपके बाहर का विषय है, उसके लिए आपको पाबंद नहीं करते हैं कि आप अगर कोई गंभीर समस्या है तो उसके लिए भी आप समझे। मेरे को तो डॉक्टर लिख के देगा वो पर्ची पे। अरे डॉक्टर तो कई जगह पर है ही नहीं। जालौर जिले में कितनी पीएससी और कितने डॉक्टर हाजिर है? आप लिखित में दिलवा दो। क्या लिखित में देना है? आप खुद अपने साथ के लिए तो आप दवाई करने चले जाते हो और यहाँ पर पीएससी में आते हो, आप कानून बताते हो। कहाँ दवाई करने जाता हूँ बताओ। ये सब हो जाएगा, या तो मैं आपको प्रेम से रिक्वेस्ट करता हूँ, पूरा गांव सुन रहा है और ये स्टाफ सुन रहा है, या तो यहाँ प्रेम से करो नौकरी, वरना आपको नौकरी से मन भर गया है तो आप प्रेम से जा सकते हो। आपको जहाँ सरकार भेजे वहां जाओ, हमारे पांथेड़ी में आपकी आवश्यकता नहीं है। मेरे शब्द ही है, आप लिखित में भेज दो। मेरे को लिखित में अभी मैं जाऊँ, ये सारा गुंडा भी जालौर जाएगा। आप जाओ, भले जाओ। ये विद वीडियोग्राफी हम सारे के सारे जालौर जाएंगे, क्लाइंट साहब को पेश होंगे। आप बहुत बड़ी बदतमीजी कर रहे हो ना अर्जुन। आपको स्टाफ नहीं चाहिए? अरे मेरे को स्टाफ चाहिए, मेरे यहाँ स्टाफ चाहिए, मेरे यहाँ स्टाफ की कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे बड़ा दुष्ट गिरी आप कर रहे हो, स्टाफ के साथ मगजमारियां आप कर रहे हो, झगड़े आप कर रहे हो, गलत दोषारोपण आप कर रहे हो और ये नहीं चलेगा, समझे ना। नौकरी करनी है तो प्रेम से करो भैया, नहीं करनी है कोई जरूरी नहीं है। मेरी गलती नहीं। आप अपने पेट के लिए नौकरी करिए, मेरे लिए नहीं। आपने क्या बोला, पेशेंट को दवाई नहीं दूंगा तो दवाई कौन देगा? मेरा कहना ये, डॉक्टर लिखेगा तो मैं दूंगा। डॉक्टर हाजिर नहीं होता, कहीं काम की नहीं है। आपने क्या बोला, सुनिए मैं रहना नहीं चाहता हूँ। अरे आप नहीं रहना चाहते, प्रेम से जाओ ना, ये पूरा गांव सुन रहा है। मेरा दर्शक पृथ्वीराज सुन लो, आप मेरे को टारगेट कर रहे हो। अरे सुन लो, टारगेट आपको ही करूंगा। आपने हमारे, एक मिनट, पांथेड़ी में कोई रोग नहीं है, इस स्वास्थ्य केंद्र में कोई किसी प्रकार का झमेला झगड़ा नहीं है, ये आप पैदा कर रहे हो। मैंने क्या पैदा किया? आप कर रहे हो, आपको नौकरी करने के लिए प्रेम से जाओ ना। ये आज के 6 महीने पहले भी यही बात हुई थी कि अगर आपको दिल नहीं है, पांथेड़ी में मेरा कोई अफसर नहीं, अभी मैं बोल रहा हूँ, कोई मेरा अफसर नहीं है, ये सब जो मेरे। अगर आपको नौकरी नहीं करनी तो प्रेम से जाओ, यहाँ दादागिरी आपकी नहीं चलेगी। बोलो क्या कहते हो? हाँ हाँ, ये मेरे आप शब्द है, आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। बोलो, अरे आप नौकर हो, सर्वेंट हो। अभी कोई लेबोरेटरी वाला नहीं है, दवाई नहीं मिलेगी। अधिकार आपका, आप बोल रहे टैक्सी के सिवा दवाई नहीं दूंगा। कभी लेबोरेटरी वाला नहीं आया तो फसल सब जाएंगे, ऐसे ही दवाई नहीं मिलेगी इसको। आपका सब सरकार ने करोड़ों रुपया डाला है। मेरा काम तो यही है, पर्ची काट के दो, डॉक्टर दवाई लिखे और मैं दवाई उनको दूंगा। डॉक्टर यदि मौजूद नहीं है, डॉक्टर तो नहीं देगा, तो किसी को लिखित में देगा कि आप पेशेंट देखोगे नहीं। अरे कितने साल से हॉस्पिटल नहीं है सर, लिखित में नहीं देता तो मैं पेशेंट नहीं देखूंगा। सब कंप्यूटर से दवाई लिख के देते हैं इधर, ऐसा नहीं है। तो क्लेम को डॉक्टर ने कितने साल से, कितनी साल से ड्यूटी में नहीं है, इधर ड्यूटी है ही नहीं किसी डॉक्टर। डॉक्टर लिख के देगा तो यदि तो आप लिखवा ऊपर में लिखित में देगा तो मेरे को आप लिख सकते हो। अभी आपने किसी को लिख के नहीं दी? अभी तो फिर मैं इनकी रिक्वेस्ट नहीं, क्यों लिखी? रिक्वेस्ट तो दी, क्यों? ये पेशेंट रिक्वेस्ट, क्या रिक्वेस्ट होती है? रिक्वेस्ट का मतलब क्या? हर आदमी आपको आपके हाथ जोड़ेगा। आज के बाद मैं तो नहीं लिखूंगा। नहीं लिखोगा नहीं, यहाँ आना तो आपको काम करना पड़ेगा। डॉक्टर लिखित में तो वरना अभी यहाँ से आप अपना इस्तीफा लिख कर दो कि मैं पांथेड़ी में नहीं रहना चाहता। लिखो अभी। मैं क्यों लिखूं? क्यों नहीं लिखो, तो काम करो, या तो ड्यूटी करो या लिख के दो हमको कि मैं पांथेड़ी में रहना नहीं चाहता हूँ। मैं मेरी ड्यूटी कर रहा हूँ। क्या ड्यूटी करो? जो मेरी ड्यूटी, लोगों को हैरान करने का धंधा करो। एक बार तो बोला दवाई नहीं दूंगा, दूसरी बार भाई मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ। क्या काम है? डॉक्टर की हाजिरी में तो दवाई किसी को मिलेगी नहीं।
और देख मिनट मेरी बात सुनो, अरे 24 घंटे अभी सुनो, अभी प्रॉब्लम चल रहा है, पूरा देश इस चिंता में बैठा है, हर आदमी अलर्ट होकर काम कर रहा है, और आप कहते हो कि डॉक्टर क्या 24 घंटा यहाँ डॉक्टर हाजिर रहेगा क्या? और यहाँ पीएससी 24 घंटा खुली रहने का प्रावधान है, प्राइवेट वालों को पाबंद कर दिया, तो ये तो सरकार का है, आप सरकार की तनख्वाह खा रहे हो, फिर भी आप बोल रहे हो मैं नहीं दूंगा, मेरे तो पर्ची काटनी और डॉक्टर लिखेगा वो। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ 24 घंटे में कितने घंटे डॉक्टर यहाँ हाजिर रहेगा, ये जवाब दो आप। अरे आपने कभी हॉस्पिटल में दवाई लिखी नहीं किसी, कभी दी नहीं किसी को? अभी लिखी है ना, आधे घंटे पहले लिखी है, वो प्रेम से लिखी, उसने बिना मनमानस दे, नहीं नहीं वो तो आपने प्रेम से लिखी, कल से नहीं लिखूंगा, पहले आप भी। अरे कल से लिखा नहीं, आपको लिखना पड़ेगा, आपको दवाई करनी पड़ेगी, आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, अगर आपको नहीं करना है तो आप प्रेम से जाओ, आपकी बात सही है, खाली करो जगह, खाली करो ताकि हम रिक्वेस्ट करके दूसरा लाए। मैं लिख सकता हूँ, आप 20 दिनों से लिखवा के मेरे को दिलवा दो, वो तुम्हारा विषय, मेरे भैया मेरा विषय नहीं, मतलब बीसी में हमारा कोई विषय नहीं है, कंपाउंडर को लिखवा दो, लिखवाने वाले, अरे अभी लिख के हम दे देंगे आपको, या तो आप प्रेम से लिखो, नहीं सारे हम लिख रहे हैं, अभी ये सब लिख रहे हैं, और सारे के सारे जितनी गाड़ी अपनी भरकर हम सीधे चालोर जा रहे हैं, बोलो यहाँ जज साहब है मंजूर, एक भी घर नहीं जाएगा, ये सब खड़े, हम सब जालोर जाएंगे, हमको कोरोना होना है तो होने दो, आप बोल रहे हो ये सारी की सारी गाड़ियां अभी जालोर जाएगी, बोलो आप क्या चाहते हो, आपका अधिकार, हम सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि आपके पेट में लात नहीं मरे, ये आप दादागिरी किसी और को बताना, पांथेड़ी के पंगा मत लो, ये पांथेड़ी है, यहाँ बिरला कोई पंगा लेकर अभी तक सफल नहीं हुआ है, यहाँ एक भरत सिंह नहीं है, ये सारे भरत सिंह है, ये सुन लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, लिखाओ कागज लो भाई, रिपोर्ट तैयार करो, ये नहीं मानेगा, अगर हम कागज लो, चलो आज सुबह मैं आया, नहीं स्टाफ के खिलाफ शिकायत होकर लेना नहीं देना, आप तो नहीं है लड़ साहब, हॉस्पिटल को रोक लगा दो, आप एक रिपोर्ट तैयार दो, लिखो लिख लिख भाई, तू कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, घबरा मत, तो लिख पेन पेपर ले लिख, और हम सब साइन करते हैं और रवाना होते हैं, ऐसे चालू आज इसको ये पी कराऊ।